हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरा प्यार भय नमस्कार। तो मैं निधि फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो उम्मीद करूँगी आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तो हम भी एकदम बढ़िया है। तो आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे मायके से। तो अभी हमने नाश्ता तो नहीं किया है, हरी सब्जी बनाई है मम्मी ने। तो अभी मस्त सी धूप भी आ गई है, तो अभी मेरी मम्मी लोग गए हैं हल जोतने, ऊपर गए हैं, तो मैं भी जा रही हूँ उनके साथ। पापा भी दूध देके सुबह ही आ गए हैं, चलते हैं अभी। और यशोदा यहाँ पे धूप सेक रही है बाहर से, मैं भी थोड़ा ऊपर जाती हूँ, देखते हैं। आजकल स्टार्टिंग हो गई है, मतलब अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है, आज ही से स्टार्ट कर रहे हैं मम्मी लोग। तो चलते हैं हम भी, देखते हैं वहाँ। तो दोस्तों यहाँ जोत रहे हैं हल पापा और गोविंद चाचा आए हैं, और मम्मी और चाची भी आए हैं, क्योंकि अभी इसको प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि अभी ये दो नए नए है ना बैल, इनको आदत नहीं है। गोविंद का थक गए, यहाँ पे रेस्ट कर रहे। ये है हमारे बैल। ये है चाची, हेलो बोलो। हेलो दोस्तों, आप देख सकते हैं इनको कितने दिन बाद ब्लॉग में। मैं आजकल मायके में आई हूँ, अभी आपको सब देखने को मिलेंगे यहाँ। ये मेरी मम्मी देखो हल्के से जूत रही है, अभी इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ चार चार लोग चाहिए। ये अक्षित भी आए हैं। ये दो जुड़वा भाई इन सबकी माँ एक ही है। ये हमारे डुगू के भाई हैं। इन्हें तो भैया, अभी मैं और अक्षित आए हैं। हाँ अक्षित, अभी मम्मी लोग ये जो हमारे बैल हैं नए हैं ना, तो इनको ट्रायल के लिए लेके आए हैं। तो यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, हल तो कल से जोतेंगे, आज से स्टार्टिंग भी हो जाएगी और थोड़ा इनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चाची यहाँ डाल रही है गोबर पूरे खेत में। हाँ, अब आजकल पहाड़ों में यही काम होता है हल जोतने वाला। आज इन्होंने भी शुरुआत कर ली है, अभी पापा चले गए, अभी चाचा जी कर रहे हैं काम, पापा को जाना है काम पे इसलिए चले गए। आईटीआई करना 12 गए। ये अक्षित बैठा है यहाँ पे, हल नहीं जोत रहा, ये खाली आया है, इसके साथ है रॉकी। ये है रॉकी, ये करण लोग का है रॉकी, ये तो पायल लोग का है ये वाला। बस अब बैल खोल लिए हैं दो खेत, मैं हल जोत लिया, हमारा दिन अभी स्टार्टिंग है, तो दो ही खेत से स्टार्ट हुआ है। अब बैलों को हम खोल देंगे, ये जाएंगे। अब चलेगी है बैल, हो यार ठीक है। अब चलते हैं हम घर को हल जोतने के लिए, कितने लोग आए हैं देखो यहाँ। ये है, ये हमारी चाची है, ये नीचे वाली चाची। अभी हम चलते हैं घर पे। तो दोस्तों अभी हम करेंगे नाश्ता, अक्षित ला गया है छा मट्ठा जो कल लेके आई हूँ मैं, बट इसने इसमें चीनी डाल ली है। अम्मा नाश्ता कर रही है, अम्मा तू ले भी ली छा, हो या मगले दे गिलास, सबको टेस्ट कराते हैं। ये एक ग्लास हो गया जिसका भी है लीजिए, ये मम्मी का, अम्मा को दे। कैसा है छा हमारा? अच्छा है। छा कैसा हो रहा मट्ठा? अच्छा हो रहा, स्वाद है। यहाँ तो छा खानते ही नहीं है, दूध बेचने वाले ठहरे। यहाँ दूध बेचते हैं, यहाँ छा नहीं बनाते। अभी हम भी नाश्ता कर लेते हैं। तो दोस्तों नाश्ता भी हमने कर लिया है, और अभी यहाँ पे बैठी हूँ, थोड़ा धूप सेक रही। वैसे तो अभी सुबह वाली धूप है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही इस धूप में, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इतनी ख़तरनाक वाली धूप लगेगी यहाँ भी। अभी तो अम्मा अंदर बैठे हैं और पापा चले गए काम में, और मम्मी मेरे वहाँ सानी काटने की तैयारी कर रही है, अभी सानी काटेंगे हम। अभी तो नीचे गया, उसको बुलाती हूँ, फिर हम सानी काट लेते हैं।
तो दोस्तों अभी हम काट रहे हैं सानी, आधी तो हमने काट ली है, तीन जने काट रहे हैं, मैं, मम्मी और अक्षित, तो थोड़ा थोड़ा सब काट रहे, फिर ब्रेक हो रहा क्योंकि सानी काटने में काफ़ी थकाई लगती है। और माँ बेटे का यहाँ पता नहीं क्या कॉमेडी वाला सीन चल रहा है, मम्मी इसके बाल बना रही है। ये देखो मम्मी अक्षित के बाल ना बचपन में ऐसी बनाती थी, ऐसा करती है, ये सोनू जी अगर जो जी जी दू, अभी तो हम एक ही बना रहे हैं, अक्षित का बचपन वापस आ गया है, आप देख सकते हैं अक्षित को हमारे। दोस्तों अक्षित काट रहे हैं सानी, अभी तो काफी घास है, और यशोदा हमारी नहला रही है अपने भैंस को, ये है इनकी भैंस, मारने आती है यशोदा, मारू ही हो वही जाओ ईवे मारने, ले ले ये देख, बाप रे मेरे को तो मारे, अब इनको नहीं मारेगी, यशोदा अपना काम कर रही है और हम काटते हैं सानी, यशोदा लो की थोड़ी, अभी हम सानी काट लेते हैं। तो दोस्तों काट ली हमने सानी, अब थोड़ा सा ही बचा है, फटाफट से काट लेते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे धूप आने लगी है तो यहाँ पे गर्म हो रहा। तो दोस्तों सानी काट ली है, थोड़ा सा है, अक्षित काट के आ रहा, चलते हैं, अम्मा की टीवी लगी होगी अंदर, ये देखो अभी मेरी अम्मा टीवी देखने लगी है, टीवी देखो देखो तुम टीवी देखो। तो दोस्तों यहाँ मेरी मम्मी वो कर रही है बकरी के लिए किल, यहाँ है हमारी दो बकरियाँ, हम यहाँ बांटते हैं, वैसे यहाँ खुला वाला ठहरा, खुला वाला गोठ है हमारा, और मेरी मम्मी उल्टे हाथ से काम करती है, बाएं हाथ से, क्या होगा अभी। दोस्तों इतनी खतरनाक वाली धूप लग रही है दिन में यहाँ, और भाई मेरा नहा रहा है। तो दोस्तों दिन के टाइम में यहाँ ऐसी धूप होती है, और यहाँ कुछ काम तो है नहीं अभी, तो ऐसे ही बैठे हैं हम, कुछ काम नहीं ठहरे वैसे दिन में यहाँ, ऐसे ही बैठे रहो अंदर, अभी अंदर ही बैठे रहते हैं अम्मा के साथ, इसको चार्ज लगाते हैं, अम्मा से गप्पे मारते हैं, खाना अभी दिन का बना नहीं है, अभी मम्मी बनाएंगे। तो दोस्तों अभी लग गया इतना बड़ा बादल, तो अभी मौसम थोड़ा चेंज हो गया, छाया आ गई है उधर साइड को, धूप देख सकते हो आप, और यहाँ यशोदा खाना खा रही। तो दोस्तों मैं और मेरी अम्मा बैठ गए हैं अभी बाहर, अभी हम बाहर बैठ सकते हैं क्योंकि अभी धूप नहीं लग रही, छाया आ गई है, ये मैं अम्मा छू, अम्मा और मैं ऐसे ही बैठे हैं बाहर, अभी मेरी मम्मी बना रही है दिन का खाना चावल, वैसे भूख तो लगी नहीं है, भूख लगी नहीं थी, काम ही नहीं है, खाली बैठे हैं तो भूख भी नहीं लग रही हमें। ये हमारी बिल्ली से लड़ाई कर रही है, ये दूसरी बिल्ली, ये दीपांशी लोगों की है, भागो, ये है हमारी बिल्ली, भाग बड़ी, इसकी आवाज देखो कैसा कर रही है, लड़ाई करने के लिए भी फर्स्ट है, रुक, उसी को देख रही है। इन दोनों की फाइट देखो, एकदम बाप की तरह लग रही। तो दोस्तों मम्मी ने बनाई है खिचड़ी, पतली पतली वाली छा छस्सी, ये है, मतलब इसमें छा डाली है मम्मी ने, एकदम पतली वाली खिचड़ी बनाई है क्योंकि भूख नहीं लगी है ज्यादा, ये अम्मा खा रही है और यहाँ पे मम्मी खा रही, और अम्मा की टीवी भी लग गए हैं यहाँ पे, खाना खा लेते हैं अभी। तो दोस्तों हमने खाना भी खा लिया है, और अभी बजे हैं दिन के दो, खाना काफ़ी अच्छा बनाया था मम्मी ने खिचड़ी, और मेरी अम्मा अभी खेत से आ रही है, ये देखो मेरी नीचे वाली अम्मा, ये दो बजे खेत से आ रही है, क्या करनी चाहिए अम्मा तुम्हें, अच्छा। और दोस्तों दो बजे से यहाँ हवा चलनी शुरू हो जाती है, तो इतनी धूप भी लग रही है, बट ठंडी ठंडी हवा भी चल रही, तो अभी से ठंडा भी स्टार्ट हो जाएगा यहाँ। तो खाना खा लिया है, मेरी मम्मी बर्तन धो रही है, मैंने धोने के लिए बोला लेकिन मना कर रही, बोली तू रेस्ट कर बाद में धोऊंगी। तो अभी हम देखते हैं, अम्मा का टीवी चला है मेरी अम्मा का, दरवाजा बंद करते हैं, हवा चल रही। तो दोस्तों दिन भर काफ़ी आराम कर लिया है, अभी मैं अपनी मम्मी के साथ जा रही, मेरी मम्मी जा रही है खेतों में, वैसे तो मेरे को मना कर रही थी बट मैं फिर भी चली गई क्योंकि घर में काफ़ी बोरिंग हो रही, तो मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं खेतों में क्योंकि अब हल जोतने वाला टाइम स्टार्ट हो गया है,
तो खेतों में जो है खाद डालनी पड़ती है, गोबर को पूरे खेत में फैलाना पड़ता है। वैसे तो डाला होता है ना खेतों में, तो वही करने जा रहे हैं। और साथ में लेके जा रहे हैं दराती, कान काटेंगे। कान मतलब होता है जो खेतों में गंदगी होती है, झाड़ वगैरह, उसको काटते हैं फिर जलाते हैं, इससे खेत भी साफ रहते हैं। तो मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं टाइम पास के लिए। ये है मेरी मम्मी, हाय। दोनों ने रेड रेड स्वेटर पहनी है, मेरी मम्मी की है ये स्वेटर भी। तो चलते हैं, मौसम भी तो चेंज हो गया है, ऊपर साइड को गरम भड़म हो रही है आसमान में, पता नहीं बारिश कहाँ को हो रही होगी, यहाँ तो नहीं हो रही। तो दोस्तों ये देखो इतना बड़ा बादल लगा है, और इसी साइड से आवाज़ भी आ रही है, अल्मोड़ा साइड है। हाँ, ऊपर साइड को पता नहीं बारिश कहाँ हुई है। चलते हैं मेरी मम्मी और मैं, टाइम पास भी हो जाएगा। घर में हो रही है क्या करें क्या करें। अभी ससुराल में हम इस टाइम में जाते घास को, बट यहाँ तो घास को जाते नहीं, तो इसीलिए हम चलते हैं खेतों में, काम भी हो जाएगा और टाइम पास भी हो जाएगा, चलते हैं। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं हमारे खेत में, यहाँ मेरी मम्मी ने गोबर डाला है, इसको पूरे खेत में हम फैला लेंगे। फिर हल जोतना है ना आजकल, तो फिर इसमें भी आएंगे। और कान काटना मतलब है जो गंदगी वगैरह होती है उसको साफ करना, और काटे हो तो। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ भी ऐसा होता नहीं, बस ये लकड़ी वगैरह हो रखे हैं, इनको हटाना हुआ। यहाँ तो वैसे कुछ बेरी के कान वगैरह भी नहीं होते, मेरे ससुराल में तो बहुत होते हैं। यहाँ के खेत वैसे साफ़ हैं, कांटे वगैरह कुछ भी नहीं होते। यहाँ सबने अपने खेतों में डाला है खाद, और कुछ टाइम बाद सबका हल जोतने वाला काम रहेगा। तो मैं और मेरी मम्मी करते हैं सफाई। तो दोस्तों एक खेत हमने फाइनल कर लिया है, पूरे खेत में हमने गोबर फैला दिया, मतलब फिजोना बोलते हैं पहाड़ी में, लोदराती। एक खेत हमारा फाइनल हो गया, और रॉकी भी आया है हमारा, वहाँ बैठा है टॉप में। वैसे खाद डाल के खेत काफ़ी अच्छे लग रहे हैं रूखे खेतों से। तो अभी हमारा दूसरा खेत भी यहीं पर है, जस्ट इसके ऊपर ये वाला है हमारा खेत, उस सामने तक है। तो अभी इसमें से भी कन काटते हैं, बिच्छू रखा है इसमें काफ़ी। ये देखो ये 440 वोल्ट का करंट इसी से लगता है। तो दोस्तों मैं और मेरी मम्मी आए हैं खेतों में, और कोई नहीं दिख रहा है, यहाँ की औरतें पता नहीं कहाँ हैं। और वैसे अभी अभी मौसम भी चेंज हो गया है, और ऊपर हमारा बैल है आ गया हो इतनी जल्दी, वैसे पता नहीं क्या चल रहा है वहाँ पे। मेरी मम्मी और मैं लगे हैं काम में, हमको देने के लिए आया है कंपनी रॉकी। तो दोस्तों यहाँ से भी काफ़ी सारे गाँव दिखते हैं, और ऊपर टॉप में है, यहाँ टॉप में मेरा नैनिहाल, मैं हमारे नैनिहाल का नाम है सत्यू। तो यहाँ ऊपर हमारा नैनिहाल है, और इधर साइड को काफ़ी सारे गांव हैं, ढोर और काफ़ी सारे गांव बोलते हैं। और उधर साइड को चितई मंदिर है, वहाँ को तो मौसम भी चेंज हुआ है, दिख भी नहीं रहा साफ। ऊपर टॉप में हमारे गोलू देवता का मंदिर, और मैं और मेरी मम्मी लगे हैं यहाँ काम में, हम कर लेते हैं अपना काम। तो दोस्तों दूसरा खेत भी हमारा फाइनल हो गया, और ये खेत काफी बड़ा है, यहाँ से वो उधर कोने तक है खेत। तो हमने पूरे खेत में गोबर डाल लिया है, अभी चलते हैं लास्ट वाले खेत की ओर। अब कल से, आज से हमने हल जोतने की स्टार्टिंग करी ली है, तो इसीलिए हम पहले से खेतों में सारा गोबर डाल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे फिर पहले को भी थोड़ा देखना पड़ता है, गोबर भी खेत में डालना पड़ता है, तो दो काम हो जाते हैं, इसलिए ये वाला काम हम पहले से ही कर लेते हैं। चलते हैं, ये है मेरी मम्मी और चुकुटो आगे जा रही, ये लोहे वाला कुदाल है शॉर्ट। किसी किसी ने तो हल जोत भी लिया है, ये खेत जिसका भी है उसने कर लिया फाइनल अपना इधर को।
लोगों ने अपने खाद के ऊपर इतनी मिट्टी डाली है कि गोबर उनका दिख ही नहीं रहा। मिट्टी मिट्टी दिख रही है, मिट्टी के नीचे होगा गोबर। सेव करें वैसे इससे, मिट्टी मिट्टी डालने से गोबर अच्छा होता है। तो दोस्तों मिट्टी डालने से गोबर सूखता भी नहीं है और बारीक खाद मिलती है हमको, तो इसलिए लोग डालते हैं। और उन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही डाला है, उनका गोबर भी नहीं दिख रहा, मिट्टी मिट्टी दिख रही। अब हम आगे अपने लास्ट खेत में, ये तो छोटा सा है, बस ये इतना सही है। और मम्मी ने इसमें एक थुपड़ बना रखा है, थुपड़ बोलते हैं इसको पहाड़ी में, यही है उसका। ये वाला खेत बिल्कुल चूहे ने नष्ट किया है, ऐसी ज़मीन नीचे को धस जा रही है ऐसे पैर रखने से। कुछ होगा नहीं इसमें खास, बट फिर भी मम्मी लगे घास तो हो ही जाती है, लेकिन खेत की हालत तो बिल्कुल ख़राब हुई है। वैसे तो हमारा नहीं है खेत, हम भी सब ऐसे खरीद के ही दूसरों का करते हैं, क्योंकि हमारे खेत बहुत कम है। तो दोस्तों हमारे तीन के तीन खेत हमने फाइनल कर लिए, सब में गोबर डाल लिया है और खेत की सफाई भी कर ली है। ये लेके जा रही मैं लकड़ी, मेरी मम्मी मेरे पीछे से आ रही है। अभी चलते हैं, वैसे पहाड़ की महिलाओं के लिए कभी रेस्ट नहीं होता, और शौच के बाद थोड़ा टाइम मिलता है उनको, उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ काम होता है लकड़ी काटने वाला जाड़ों के दिनों में। अब जैसे ही गर्मियों के दिनों में थोड़ा रेस्ट का टाइम होता है, तब इनका हल जोतने का काम, गोबर डालना और ये कान काटना ऐसे काम आ जाते हैं। फिर वही फिर से हल जोतने के बाद गुड़ाई, फिर से घास काटने की बारी शुरू। तो पहाड़ में भी हमेशा रेस्ट वाला टाइम नहीं मिलता महिलाओं को, एक काम के बाद दूसरा काम आ ही जाता है। मेरी मम्मी ला रही है दो ठीठ हाथ में, अम्मा अभी भी मेरी सकट जलाती है, तो अम्मा को देंगे हम, ये आ गई है। पहाड़ में कब काम ख़त्म होता है? अभी नहीं, रेस्ट मिलता है तुमको थोड़ा थोड़ा, थोड़ा लाना हुआ, घास लाना हुआ। हाँ हमें ऐसा काम रहता है, मतलब असोच के बाद जो थोड़ा रेस्ट वाला टाइम होता है उसमें मेरी मम्मी लोग जाते हैं दूसरे के, मतलब दूसरे जंगलों में जाते हैं घास के लिए, जो काफ़ी दूर होते हैं। तो बस ऐसे ही इनके दिन निकल गए हैं, अभी गर्मी के दिन फिर से आ गए हैं, फिर से असौज आ ही जाएगा। असौज जब हो काटते हैं हम, तब लगता है अभी ख़त्म होगा, ख़त्म होने के बाद फिर से दोबारा वापस आ गए हैं। हमने अपने खेत भी फाइनल कर लिए, चलते हैं। और मेरे पापा भी आ गए हैं काम से, ऊपर से आ रहे हैं, अभी साथ में चलते हैं। पापा अपनी ड्यूटी से आ रहे हैं और हम दोनों अपनी ड्यूटी से घर को जा रहे हैं, चलो चलो। दोस्तों मेरे पापा हमसे पीछे थे बट हमसे आगे चले गए, क्योंकि मेरी मम्मी बीच बीच में लग जा रही है बातों में, हम आराम से जाते हैं। ये मेरी ताल नीचे वाली अम्मा है, तालघर वाली। मैं अम्मा को कह रही थी कि वो हमारी बकरी की पट्टी ले ले, बट अम्मा लेना चाहती है, बट वो सोच रहे इतने दूर से कैसे आएंगे ना अम्मा, ये तो दूर पर कशियाल कुने वो बकर। ये अच्छी मेरी तालघर है आम। हेलो कामा, हेलो इसी को हेलो। ये है मेरी अम्मा, अम्मा अभी आ रही है खेतों से। और दोस्तों हमारी यशोदा की रात के खाने की तैयारी हो गई है, सब्जी काट रही है, पालक और ये प्याज, ये सब जो मैं लेके आई थी वही। हाँ वही, ऐसा इस जो कल मैं अपने ससुराल से लेके आई उसकी सब्जी बना रहे हैं आज, हरी सब्जी। अभी चाचा जी तो काम से नहीं आए हैं, मम्मी इसके खेत में गई है, तो ये तब तक रेडी करेगी सब्जी काट के। मेरी अम्मा ने भी काट लिया, हमारी भी आज हरी सब्जी है। तो दोस्तों अभी अम्मा लोग पी रहे हैं चाय, नीचे वाली अम्मा भी आई है हमारे यहाँ, तो पापा भी काम से आए गए हैं, तो अंदर चाय पी रहे हैं। तो आज की वीडियो को भी इतना ही रखते हैं, उम्मीद करूँगी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आप अपनी फैमिली के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।